शिवपुरी देहात थाना पुलिस ने 6.5 लाख रुपए कीमत की स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी हां, आरोपी राजस्थान के सिमलिया से स्मैक के खेप को बेचने शिवपुरी आया हुआ था। पुलिस ने आरोपी से स्मैक जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं देहात थाना प्रभारी रत्नेश यादव ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद झांसी रोड के नोन कोलू की पुलिया के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास 34 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी ने अपना नाम धीरज नायक बताया था। वहीं बता दें कि पकड़ा गया आरोपी राजस्थान के सिमलिया का रहने वाला है। वहीं पुलिस आरोपी से स्मैक के सप्लायरों के बारे में पूछताछ कर रही है। इसमें क्या है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए गांजा चरस शराब माफिया की को जड़ से उखाड़ने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। उसमें जो आज सूचना मिली कि एक व्यक्ति नोन कोलू पुलिया के पास अवैध स्नेक बेचने के फिराक में बैठा है। उक्त सूचना की तस्दीक में वरिष्ठ अधिकारियों दिशा निर्देश की प्राप्त कर वहाँ में मौके जाए गए। वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज नायक पुत्र बलवंत नायक उम्र 32 साल निवासी ग्राम सिमलिया थाना सिमलिया जिला कोटा राजस्थान का मिला। उसके कब्जे से 34 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिससे जो है आरोपी विरुद्ध अपराध धारा जी उसकी कीमत है 6 लाख करीबन 6 लाख रुपये। आरोपी के पुत्र में भी कोई अपराध है सर? अब इसकी विवेचना की जा रही है क्योंकि आरोपी बाहर का है तो उसकी जानकारी ली जाएगी। ये शिवपुरी में अभी तो पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, अब विवेचना विषय है। और शिवपुरी बेचने के लिए लेके आया था, जिससे जो अपराध धारा 8/21 NDPS। आपने इंटरोगेशन किया होगा उसके साथ में, तो आपने कोई जानकारी प्राप्त नहीं पाई? नहीं, जानकारी तो मिली है लेकिन अभी पूरी सही जानकारी नहीं। ये राजस्थान से लेके आता था, पहली बार आया है? इससे पहले भी आ चुका है? नहीं, पहले नहीं आया, पहली बार ही आया। राजस्थान से लेके आता था बेचने के उससे, और जो पकड़ लिया गया है, अब मुकदमा कायम करके केस कायम करके बेचने में लिया गया।